इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है साइन 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर साइन 90, 60, 30 ये सब दिया गया होता तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता जो कि हमें यहाँ पर गिवन होती है पहले से, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है साइन 75 डिग्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि मैं उन सबकी वैल्यू फाइंड कर सकूं, जिनकी वैल्यू मुझे पता है उन सबकी फॉर्म में मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, ठीक है। तो साइन मैं क्या कर दूंगा, 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 45 की वैल्यू मैं जानता हूँ प्लस 30 की वैल्यू भी मैं जानता हूँ, तो मैं इन दोनों की ब्रेक में इसको मैंने कर दिया ब्रेक। 45 प्लस 30 कितना होता है, 75 होता है। लेकिन इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद एक फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला आ चुका है, आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है वो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला क्या है याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर ए की प्लेस में आपको 45 पुट करना है, बी की प्लेस में 30 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये, साइन ए की प्लेस में क्या है 45, कॉस बी की प्लेस में क्या होगा 30 पुट होगा, प्लस कॉस ए की प्लेस में 45, साइन बी की प्लेस में 30 पुट होगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन में 2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 प्लस इसमें भी क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन में 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम देखो यही आएगा 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी के साथ हमने इसका आंसर जो है फाइंड कर लिया है, लेकिन अब इसका फर्स्ट पार्ट हुआ है बस हमारा सॉल्व, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करना था इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका करते हैं जो दे रखा है हमें 10, 15। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, 15, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो मुझे इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड है, यानी कि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं इसको क्या ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, 10, 45 - 30 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, ये भी क्या होता है 15 ही होता है, या फिर 10, 60 - 45 में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, वो भी 15 ही आएगा, है ना। लेकिन मुझे क्या है उन सब उसमें ब्रेक डाउन करूंगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 10, 45 - 30 की प्लेस में मैंने इसको पुट कर दिया। तो देखो 10 का फॉर्मूला अलग हो जाता है, 10a - b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, है ना, ये माइनस है ना, इसलिए a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन में क्या होगा, 1 + 10a - 10b। जब यहां पर प्लस हो जाएगा तो बस प्लस की प्लेस में माइनस हो जाएगा, माइनस की प्लेस में प्लस हो जाएगा। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a - 10b। अब देखो 10a की प्लेस में क्या होगा, a की प्लेस में 45 फुट होगा, b की प्लेस में 30 फुट होगा। तो 10a क्या है 45 माइनस 10b क्या है 30 अपॉन में 1 + 10 45 10 30, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 10 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या होगा, 1 + 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इंटू 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। इसका एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा इसका एलसीएम अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस 1, ये वाला अपॉन लगा यहां पर। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 होगा, है ना, बस ये प्लस का ये माइनस का है। इसमें भी अपॉन में अंडर रूट 3 1 क्या है, यानी कि अंडर रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू, अब क्या होगा इसका देखो उल्टा हो जाएगा ये, बस है ना, ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ये तो एज इट इज रहेगा, ये बस उल्टा हो जाएगा, यानी कि
अंडर रूट थ्री अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या करा, बस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ये, तो ये अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन। तो इसका आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं इसका आंसर लिख देता हूं फाइनल, अंडर रूट थ्री माइनस वन अपॉन में अंडर रूट थ्री प्लस वन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव का सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।